इस साल भारतीय शेयर बाजारों ने अपनी ताकत से पूरी दुनिया को चौंका दिया है। सेंसेक्स और निफ्टी छलांग लगाकर नई रिकॉर्ड पर पहुंच गए हैं। हालांकि हाल के हफ्तों में बाजार में थोड़ी गिरावट आई है, लेकिन अभी भी बाजार उछले लेवल्स पर बने हुए हैं। बाजार की तेजी का फायदा प्राइमरी मार्केट से पूंजी जुटाने की कोशिशों में लगी कंपनियों ने भी उठाया है। क्या है पूरी खबर, नमस्कार, आप देख रहे हो विस्तक और मैं हूं श्रेया ठाकुर। इस साल बाजार में ताबड़तोड़ आईपीओ आए हैं और कंपनियों ने जमकर पूंजी जुटाई है। यही नहीं, इनमें से तमाम आईपीओ की लिस्टिंग भी इश्यू प्राइस से ऊपर हुई है और इससे इन आईपीओस में पैसा लगाने वाले इन्वेस्टर्स को भी अच्छी खासी कमाई हुई है। आंकड़ों के हिसाब से देखें तो इस साल आईपीओ से जुटाई गई फ्रेश कैपिटल एक दशक से भी ज्यादा वक्त में सबसे ज्यादा रही है। आईपीओ के जरिए पूंजी जुटाने में इस साल आई जबरदस्त तेजी से एक संकेत ये भी मिल रहा है कि कंपनियों और उनके प्रमोटरों का भरोसा इस बात को लेकर है कि भारत की इकोनॉमी तेज रफ्तार से बढ़ेगी। कंपनियां इस मौके का फायदा उठाने के लिए नई पूंजी जुटा रही हैं और इसका इस्तेमाल अपने कारोबार के विस्तार में कर रही हैं। आंकड़े बताते हैं कि इस साल 35 आईपीओ आए हैं जिनसे कंपनियों ने करीब 27,500 करोड़ रुपए जुटाए हैं। इस पूंजी का 49% हिस्सा फ्रेश कैपिटल के तौर पर जुटाया गया है। फ्रेश कैपिटल जुटाने का मतलब है कि कंपनियां अपने कारोबार के विस्तार, नई फैक्ट्री कैपेसिटी बढ़ाने या पुराने कर्जों को चुकाने में कर रही है। इससे कंपनियों के भारतीय इकोनॉमी में बढ़ते भरोसे का संकेत मिलता है। मिसाल के तौर पर देश की दूसरी बड़ी कमर्शियल पोर्ट ऑपरेटर JSW इंफ्रास्ट्रक्चर के 2,800 करोड़ रुपए के आईपीओ का पूरा हिस्सा फ्रेश शेयरों का है। इसी तरह से सामही होटल्स के 1,370 करोड़ रुपए के आईपीओ का 88% हिस्सा फ्रेश इशू का है। 2023 में अब तक जितने आईपीओ आए हैं इनमें से आधे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के हैं, जबकि दूसरे 35% आईपीओ ऐसे सेक्टरों में से हैं जिनमें भारी पूंजी की जरूरत होती है। इनमें होटल, हॉस्पिटल, लॉजिस्टिक्स और कंस्ट्रक्शन सेक्टरों की कंपनियां शामिल है। सिग्नेचर ग्लोबल, यात्रा ऑनलाइन और जैगल प्रीपेड ओशन सर्विसेज के भी आईपीओ में फ्रेश इशू की हिस्सेदारी 85% तक रही है। बीते सालों के आंकड़े बताते हैं कि कंपनियों के आईपीओ के जरिए जुटाए गए पैसों में ज्यादातर हिस्सा मौजूदा इन्वेस्टर्स के हाथ जाता था। ऐसे में कंपनियां कारोबारी विस्तार पर कम ही पैसा खर्च करती थी, लेकिन इस साल इस ट्रेंड में बड़ा फेरबदल होता नजर आ रहा है और साथ ही कंपनियों को इन्वेस्टर्स की तरफ से भी बढ़िया रिस्पॉन्स मिल रहा है। बाजार की तेजी भी आईपीओ लाने वाले कंपनियों के लिए वरदान साबित हुई है। मंगलवार को सेंसेक्स 78 अंक गिरकर 65,945 पर आ गया, जबकि निफ्टी 10 अंक गिरकर 19,664 अंक पर पहुंच गया था। तो आपको हमारी जानकारी कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही जो हमारे नए व्यूअर्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।